bum bum bum. महाशिवरात्रि 15 तारीख की और आज है 14 जुलाई। हम निकल रहे हैं आज कावड़ यात्रा के लिए जल लेने हरिद्वार, जो दिल्ली से 200 किलोमीटर है। अब इसमें चैलेंजेस की बात करते हैं तो भाई लाख ही दिन है आज जल लाने का और कल चलेगा जल। इतनी भीड़ होने वाली है, पता चला है वहाँ से अपडेट मिल रही है कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आने जाने तक की ना मतलब इतनी भीड़ लगी हुई है, बहुत लंबी लंबी। तो पता अब देखते हैं सीन क्या होता है, काफ़ी चैलेंजिंग यात्रा होने वाली है। पिछली बार जो यात्रा की थी पिछली बार ज़्यादा पता नहीं था, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ हम जाने वाले हैं। तो मैं हूँ पीयूष सैनी और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारा प्रोग्राम है 6 बजे निकलने का, कल रात को लेकर आया था मैं झंडा जो लगा हुआ हमारी बाइक पे। पिछली बार छोटा था, इस बार मैंने तैयारी करी, मैंने कहा नहीं झंडा लगेगा तो बड़ा, ये भी पूरा पैक कर रखा है, जब इसे ओपन करूँगा फिर दिखाऊँगा। एंड सेकेंड इज हमारी टी शर्ट, ये भी मैंने स्पेशली, ये भी आई है भोले बाबा के भक्त के थ्रू, कान्हा जी के भक्त के थ्रू उन्होंने हमें भिजवाई है। एक ये टी शर्ट, एक और भी है वो नहीं पहनी अभी, वो बाद में पहनेंगे, बट ये पहन के हम अपनी यात्रा सफल करेंगे, अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। तो चलते हैं और करते हैं भोले का नाम लेके यात्रा को चालू, यात्रा को आरंभ, और मिलते हैं आपसे आगे। तो हर हर महादेव, जय भोले की। तो इस सफर में आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और देखते हैं महादेव हमारे बाबा क्या चाहते हैं और कैसे करके हमारी यात्रा को सफल करेंगे। जय भोले की सभी भोलों को। भाई इस टाइम आ चुके हैं हम, ये मेरठ के लिए रास्ता यहाँ से कट रहा है, मेन रास्ता, मतलब यहाँ से हमने हिंडन वगैरह सारी चीज़ क्रॉस करके, एलिवेटेड रोड सारा क्रॉस करके 5 किलोमीटर का, अब यहाँ से जो रास्ता कट रहा है हमारा सीधा मेरठ होते हुए अपना हरिद्वार जाएगा। तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त यात्रा होगी, काफ़ी बढ़िया हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 6:30, आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच गए घर से, 6 बजे निकले थे, और काफ़ी बढ़िया यात्रा होगी भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है। खाली रोड है अभी तक, अब देखते हैं आगे क्या सीन होता है। तो जय भोले की, हर महादेव, मिलते हैं आगे। जहाल पे, जहाल ढाबा, और यहाँ पे हम ज़रा चाय वाय पी लेते हैं थोड़ी, जब से ना 2 घंटे हुए चाय वाय पीने रुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया देख रहे हैं, जैसे कि सारे भोले जान लग रहे हैं और ऑलमोस्ट तो आने लग रहे हैं अपने घर की ओर। वो वाली लेन पूरी बंद की हुई है, फिर वहाँ पे सिर्फ कावड़ यात्री चलेंगे, और ये वाला रास्ता है सर यहाँ से, यही वर्किंग किया हुआ है नॉर्मल गाड़ियों के लिए, तो काफ़ी बढ़िया कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत बढ़िया सारा इंतजाम किया हुआ है सारे भोलों के लिए। तो भाई इसी बात पे जय भोले की, हर महादेव, चलो और मिलते हैं आगे। आ, 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 आ,
हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं भोले का नाम लेके आगे की ओर, और फिर से मिलते हैं आपसे आगे। जय भोले की। पीयूष हाँ बोल। बम बम बम। तो भाई ये तो इस टाइम पे अलग अलग जगह है, रोड पे तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा रास्ता है, कौन सी जगह है। हथौली यहाँ से 5 किलोमीटर आ गया अभी। मुजफ्फरनगर 27 किलोमीटर है, और हमारा हरिद्वार अभी 100 किलोमीटर अभी भी रह रहा है। और टाइम हो रहा है बस 9:15 है। नज़ारा आप देख सकते हो आपके आगे है, सारे भोले के भगत अरुण भोले ने खींची थी, और अरुण भोले जो हमारे हैं हमारे साथ, इन्होंने खींच रखी है पूरी गाड़ी। बोलेगी भाई अब पहुंच चुके हैं, हमने 100 किलोमीटर कवर करते हैं, और हम यहाँ से रह रहे हैं टोटल 60 किलोमीटर और रह रहे हैं, यानी कि 140 किलोमीटर कर दिए हैं। दर्द हो गया पुट्ठू में तो इसलिए यहाँ पे रुक गए। हम यहाँ पे ज़रा कुछ चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट उतरेंगे हर की पौड़ी। और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 10:15 है, तो पहला रेस्ट भी हमने 8 बजे करीब लिया था, उसके बाद अब दूसरा ले रहे हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हो यात्रा कितनी बढ़िया चल रही है, सारे भोले इतनी जोरों शोरों से इतने जोरों शोरों से जा रहे हैं। अब हर की पौड़ी जल लेने, और उसके बाद इस कांवड़ यात्रा जो निकल रही है राइट लेन में, भाई जोर शोर आपने देख लिया होगा, इतना बढ़िया हो रहा है। जो राइट की साइड है मैं उधर की तरफ लेके चलता हूँ। राइट लेन में जो भी है सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए, हम गए थे लेफ्ट से आएंगे इससे हम भी इससे आएंगे, और सारे हमारे कांवड़ यात्री भाई जोरों शोरों से चल रहे हैं यहाँ पे, भाग भाग के भोले के भक्त सारे अपने भोले चल रहे हैं। जय भोले की। करते हैं आगे कंटिन्यू, इतने जय चाय वाय पी लें। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। चलो लो भाई मिल गया जाम। यार उन बोले हैं छोटकट पे गुजार दी गाड़ी, देख लो अब। चलो जी चलो यहाँ पे लग गया जाम। अरे हम क्या, अरे मैं कैसे जाऊँगा। चलो 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 आ गया, आपसे बोले चप्पल लेगी। चलो 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 वीडियो बना, थोड़ी सी वीडियो बन गई पूरी। अरुण भोले फुल फॉर्म में चल रहे हैं इस टाइम पे ऑफ रोडिंग करते हुए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो भाई, खींच के ले रखी है जब से गाड़ी, एक दो जगह रोकी है वही मैंने रुकवाया है इसलिए, नहीं तो भाई खींच के अभी हरिद्वार होते हम। चलो करो ऑफ रोडिंग, करो चल बोले। जय बोले की। चलो भाई गाड़ी का टायर मोटा होने का ये फ़ायदा होता है कि स्लिप नहीं मारती गाड़ी, तो जब भी आप अगर ऑफ रोडिंग करो तो गाड़ी का टायर मोटा लेके करना, पतले टायर में ऑफ रोडिंग मत करना, नहीं तो भाई स्लिप मारती रहेगी। अपनी गाड़ी का टायर बढ़िया है, सारी चीज़ बढ़िया है, तो इसलिए हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। भोले बाबा करवा रहे हैं, लो बेटा लो करो मजे। अभी तक है स्मूथ रोड से आए थे ना, अभी तक इतने स्मूथ रोड पे थे,
और अब देख लो तो बेटा ऑफ रोडिंग भी कर लो यार, क्या हो गया। निकालो सीधी, जान दो। हाँ कर दिया गंदा मेरे को, बहुत बढ़िया भाई। इसे गंदा नहीं कहते, इसे भोले बाबा का प्रसाद है। भोले बाबा का प्रसाद कहते हैं। शाबाश, अब निकालो। अब ये भोले की, भोले की ये ऑफरोडिंग भी याद रहेगी। अरे चलो भी बन रहा है, मैंने 360 कर रखा है। क्या बोले कि फर्स्ट में डाल के फर्स्ट भाई साथ हैवी ड्राइवर है भाई। यार उन बोले हमारे हैवी ड्राइवर कि भाई पहुंच गए अपना हर की पैड़ी पे, और अब यहाँ से चलेंगे पार्किंग में लगा दिए गाड़ी और यहाँ से जाएंगे हम सीधा अंदर और लगाते हैं डुबकी और फिर आगे कहानी आपको दिखाते हैं आगे। तो बने रहो, देखते रहो और हर हर महादेव। जय बोलेगी।